हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट टेबल, यानी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। छोटा सा ट्रिक है, सीख लेंगे तो बहुत ही आसान होगा प्रॉब्लम करने में। तो चलिए शुरू करते। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग पहले क्या निकलेंगे, एंगल्स निकलेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। 5 डिग्री देगा 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले छोटा सा ट्रिक है, इस चीज को याद रखिए तो हमें सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हर एक नीचे नंबर दे दीजिए, 0, 1, 2, 3 एंड 4 यानी नंबर दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4 नंबर्स लिख दिया मैंने, काउंटिंग नंबर्स लिख दिया। उसके बाद हर एक नंबर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे हर एक नंबर को। कर दिया, उसके बाद सभी का रूट निकालेंगे, सभी का रूट निकाल देंगे। ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिए रूट्स को। तो 0/4 हमेशा 0 और उसका रूट निकालेंगे तो 0। 1/4 का रूट निकालेगा तो 1/2, क्योंकि नीचे 4 है, उसका रूट कितने होता है, 2 हो जाता है। और 2/4 दोनों कैंसिल कर लीजिए, आंसर बचे 1/2। और 1/2 का रूट निकालेंगे तो कुछ नहीं आएगा, इट मीन 1 का रूट 1 निकल जाएगा और रूट टू। तो नेक्स्ट आएगा 3/2 और ऊपर का रूट नहीं जाएगा बिकॉज रूट 3/2, नीचे 4 है, उसका रूट निकल जाएगा 2। लास्ट में 1 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1 का रूट 1। तो दोस्तों मैंने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4 लाइन से नंबर निकले, हर एक नंबर को मैंने 4 से डिवाइड कर दिए, उसके बाद सभी का रूट निकाले, उसके वैल्यू मैंने नीचे वाले लाइन में लिख दिया। तो ये जो वैल्यू हो गया, ये किसको हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा साइन का दोस्तों। वैल्यू किसको हो जाएगा, साइन का दोस्तों। अगला क्या आएगा, कॉस थीटा, कॉस का। तो कॉस के लिए क्या करना है दोस्तों, यही तक ट्रिक है, इसके बाद कुछ नहीं करना, इसको थोड़ा सा दिमाग यूज करना है बस, थोड़ा बहुत आसान है। कॉस का क्या करेंगे, जो साइन का वैल्यू है उसी का रिवर्स लिखेंगे, 1/√3/2, 1/√2, 1/2, 0। समझ आ गया दोस्तों, मैंने कह के जो साइन की वैल्यू आया उसी को मैंने रिवर्स ऑर्डर में कॉस का भी लिख दिया। उसको बताते हैं टेन। तो टेन के लिए दोस्तों ये बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। उसी फॉर्मूला के कर लेंगे, टेन जीरो निकालेंगे, टेन जीरो इज इक्वल टू साइन जीरो बाय कॉस जीरो। तो साइन जीरो वैल्यू हमें पता है 0, कॉस जीरो वैल्यू कितना होगा 1। जब ये सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0, तो वैल्यू यहाँ लिख देंगे। सिमिलरली टेन थर्टी का निकालेंगे, साइन थर्टी इज इक्वल टू साइन थर्टी बाई कॉस थर्टी, साइन थर्टी वैल्यू 1/2 और कॉस थर्टी की वैल्यू यहाँ से √3/2। जब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1/√3। उस तरह टेन 45 का निकालेंगे दोस्तों, टेन 45 इज इक्वल टू साइन 45 बाई कॉस 45 और टेन 40 साइन 45 का 1/√2, 1/√2 आंसर आएगा दोस्तों 1। उसी तरह 1 आ जाएगा, उसी तरह टेन 60 इज इक्वल टू साइन 60 बाई कॉस 60 और साइन 60 वैल्यू यहां से √3/2 बाई 1/2 सॉल्व करेंगे आंसर आएगा √3। टेन था नेक्स्ट, टेन 90 साइन 90 बाई कॉस 90। तो टेन साइन 91 कॉस 90 0, 1/0 हमें से क्या रहता, अनडिफाइंड। उसको हम क्या लिख सकते, इन्फिनिटी। 1/0 हमेशा इन्फिनिट रहता, ये हो गया इन्फिनिटी। रिकॉल कर लेते, फिर से देख लेते मैंने क्या किया। एंगल्स के नीचे 0, 1, 2, 3, 4 नंबर निकले, हर एक नंबर को मैंने 4 से डिवाइड किया, उसके बाद सभी का रूट निकाले, उसको जो सोल्यूशन आया 0, 1/2, 1/√2, 3/2, 1। ये जो वैल्यू हो गया वो वैल्यू किसको हो गया, साइन को हो गया। उसके बाद कॉस वैल्यू के लिए मैंने उसी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। टेन का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो टेन 0 के लिए साइन 0 बाय कॉस 0, टेन 90 के लिए टेन साइन 90 बाय कॉस 90। ओके दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे रेशियो है कोसेकेंट थीटा। तो कोसेकेंट थीटा के लिए क्या करते हैं, कोसेकेंट थीटा के लिए एक फॉर्मूला है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये फॉर्मूला सबको पता ही रहेगा,
cosecant theta is equal to 1 by sin theta. Similarly, formula डाल दीजिए, तो cosecant 0 is equal to, cosecant 0 is equal to 1 by sin 0, और 1 by sin 0 value कितने? 0, ये हो जाएगा indefinite. मैंने अभी सिखाया indefinite. उसी तरह, cosecant 30 is equal to 1 by sin 30. तो 1 by 1 by 2, ये हो जाएगा 2. उसी तरह, cosecant 45 is equal to 1 by sin 45. तो 1 by root 2. ये हो जाएगा root 2. कुछ नहीं, 1 by sin की value. Cosecant 60 degree is equal to 1 by sin 60. That is 1 by root 3 by 2. ये हो जाएगा. इट हो जाएगा 2 by root 3. इस तरह, final. Cos 90 degree is equal to 1 by sin 90 is equal to 1 by 1, that is 1 or 2 by root 3. Okay, दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे, उसके बाद आता है sec का. जैसे मैंने sin का निकले के बाद cos का उल्टा किया थे, यानी रिवर्स ऑर्डर में किया, सिमिलरली यहां पे भी रिवर्स ऑर्डर में निकलेंगे, 2 by root 3, 2 infinity. क्या किया मैंने, बस रिवर्स ऑर्डर में. नेक्स्ट आता है cot. cot किसके होएगा, cot निकलने के लिए tan का वैल्यू देखिए, उस पर रिवर्स ऑर्डर में निकले, tan का वैल्यू रिवर्स में निकलेंगे, root 3 1 by root 3 and 0. ओके दोस्तों, समझ में आ गया रहेगा, बस सिंपल ट्रिक के, ज्यादा कुछ करने का नहीं है. तो होप आपको ये समझ में आ गया. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.